पेपर के अंतर्गत हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है भारत में प्राप्त खनिजों की उपलब्धता। यानी कि हमारा जो भारत देश है यानी इंडिया है उसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं और उनकी जो उपलब्धता है यानी कि हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं और फिलहाल हमारे पास कितने संभावित यानी कि खनिज प्राप्त है। यानी कि ये कह सकते हैं कि आज हमारे पास खाने के लिए 50 किलो गेहूं है तो उसमें हमने 40 किलो गेहूं खर्च कर लिए तो संभावित कितने बचे यानी कि हमारे पास अभी भी कितने हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो हमें खनिज प्राप्त होते हैं वो खनिज हमें किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी कि भारत के कौन कौन से राज्य है जहाँ पर हमें खनिज प्राप्त होते हैं। सो गाइस आज की हम अपनी इस वीडियो में इसी टॉपिक पर अध्ययन करते हैं। हमारा नंबर एक बताता है कोयला। कौन सा नंबर एक है? कोयला। जिसे हम अंग्रेजी में कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल। सी ओ ए कोल। इसकी जो संभावित मात्रा है वह है 223411। इतनी 23411 बिलियन टन इतनी है। यानी कि जो हमें कोयला प्राप्त होता है भारत के अंदर कोयला मौजूद है लेकिन इसकी जो खर्च करने के बाद भी यह अभी भी यानी कि 23411 बिलियन टन अभी इसकी संभावित उपलब्धता है। यानी कि यह हमारे पास अभी भी मौजूद है। और यह हमें कहां से मिलता है? पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। कहां कहां से? पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। जो हमारे पास कोयला है यानी कि कोल उसकी उपलब्धता कितनी है? 23411 बिलियन टन। और यह हमें पश्चिमी बंगाल राज्य, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य से प्राप्त होता है। नंबर दो पर आता है हमारा लिग्नाइट। नंबर दो पर आता है लिग्नाइट। इसकी जो संभावित उपलब्धता है वह 35.36 बिलियन टन कितनी है? 35.36 बिलियन टन जो कि हमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड से प्राप्त होता है। कहां से? महाराष्ट्र और झारखंड। कहां से प्राप्त होता है? महाराष्ट्र और झारखंड से प्राप्त होता है। नंबर तीन पर आता है हमारा बॉक्साइट। कितने कितना बॉक्साइट?
इसकी संभावित जो मात्रा है वह 2,662 मिलियन टन है। ये कितने में था? ये बिलियन टन में था और ये मिलियन टन में है। और यह हमें प्राप्त होता है उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और मणिपुर से। और नंबर 4 पर आता है हमारा ताम, क्रोमाइट। कौन सा आता है? क्रोमाइट। इसकी जो संभावित उपलब्धता है वह है 90.23 मिलियन टन। कितनी? 90.23 मिलियन टन। 90.23 मिलियन टन है जो कि हमें निम्न राज्यों से प्राप्त होता है, वह उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और मणिपुर। यानी कि ये सब राज्य हैं जिनसे हमें यह प्राप्त होता है। फिर नंबर 5 पर आता है हमारा तांबा। यानी कि यह भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट धातु है, खनिज है तांबा। और इसकी जो संभावित उपलब्धता है वह है 537.66 मिलियन टन। इसके जो अक्षेत्र है वह अक्षेत्र है झारखंड, मध्य प्रदेश और अलवर, यानी कि राजस्थान में। कौन कौन से? झारखंड, मध्य प्रदेश और अलवर, ये सभी हमें इन जगह से प्राप्त होता है। सो गाइस, हमारे पास और भी खनिज बैठते हैं। नंबर 6 पर आता है सोना, जिसका संभावित क्षेत्र है 177.9 लाख टन। यानी कि हमारे पास अभी भी इतनी मात्रा में सोना उपलब्ध है। और इसकी जो मुख्य स्थान है वह कहां से प्राप्त होता है? कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से। यानी कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सोने की खानें पाई जाती है, जहां से यह हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा लोहा। लोहा के जो संभावित क्षेत्र है अभी तक हमारे पास वह 10,052 मिलियन टन है। यानी कि इतना लोहा हमारे पास अभी भी उपलब्ध है। और इसके जो संभावित क्षेत्र है वह कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। यह हमें इन राज्यों से प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग हम अलग अलग चीजों को बनाने में करते हैं। और आज तो लोहे के सामान की बहुत ही ज्यादा मांग बढ़ गई है। यानी कि हम भव्य मकान बनाने से लेकर छोटी छोटी चीजों तक लोहे का प्रयोग करते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, सीसा या जस्ता। इसकी जो संभावित मात्रा है 176.0 मिलियन टन है। यानी कि अभी तक यह है हमारे पास, यानी कि इसकी जो संभावित मात्रा है वह 176.0 मिलियन टन है। और यह हमें राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग, यानी कि खदानों से इसको निकालकर इसका प्रयोग अलग अलग वस्तुएं बनाने में किया जाता है। फिर हमारे पास आता है निकेल। इसकी जो संभावित मात्रा है वह है 183.5 मिलियन टन। अभी भी हमारे पास यह इतनी मात्रा में है। यह उड़ीसा, झारखंड आदि राज्यों से हमें प्राप्त होता है। जो सीसा और जस्ता था वह राज्य उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम आदि राज्यों से भी प्राप्त किया जाता है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह हीरा, जो कि हमारे पास अभी संभावित मात्रा में कितना है ये देखते हैं, वह 282 मिलियन टन है। यानी कि अभी भी हमारे पास 282 मिलियन टन जो हीरे हैं वह प्राप्त है, जो कि हमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों से प्राप्त किए जाते हैं। फिर हमारे पास है जिप्सम। जिप्सम 238.0 मिलियन टन इसकी संभावित मात्रा है। और राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से हम इसको प्रयोग करते हैं। फिर आता है अबरक, 45,000 टन। यानी कि अभी भी अबरक के हमारे पास 45,000 टन क्या है, यानी कि
संभावित क्षेत्र है जो कि हमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों से प्राप्त होते हैं। सो गाइस, अभी और भी खनिज बाकी रहते हैं जिनके बारे में हम